व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सब लोग के बीच में रहने वाले थे। निर्मम हत्या जो हुआ निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और हम लोग इसको चुनौती के रूप में लिए हैं। जो अपराध किया है, हत्या किया, निश्चित तौर पर जेल के सलाखों के पीछे। अगर पाताल में मिले तो वो खोज लेता है। 1990 और 2005 के दौर में क्या अन्य मार्ग हुए थे, आप लोग तो मीडिया वाला का अपहरण हो जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। रूपेश हत्याकांड के बाद जहां विपक्ष सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि ये 1995 और 2005 का दौर नहीं है, ये नीतीश कुमार की सरकार है और अपराधियों पे जल्द से जल्द नकेल कसे जाएंगे, अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। और जो पहले की जो बात कर ले तो पहले जहां एक अन्य मार्ग में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, वहीं दूसरी तरफ अब अपराधियों पे सीधी तौर पे नकेल कसे जाएंगे। और क्या कह रहे हैं संजय सिंह, ये सुन लेते हैं। देखिए, कल का जो घटना घटा रूपेश सिंह का, वो व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सब लोग के बीच में रहने वाले थे, इंडिगो के हेड थे। निश्चित तौर पर ये घटना निर्मम हत्या जो हुआ निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और हम लोग इसको चुनौती के रूप में लिए हैं और पुलिस तत्परतापूर्वक इसके पीछे लगी हुई है। जो भी अपराधी होगा, जो अपराध किया है, हत्या किया, निश्चित तौर पर जेल के सलाखों के पीछे। हम लोग किसी को बचाते न फंसाते, पुलिस अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं सर, आए दिन घटनाओं में अखबार। ये 90 या 2005 का दौर थोड़े, एक अपराधी अपराध करता है, अपराधी का शरण मिलता है अन्य मार्ग से। यहाँ अपराधी अगर अपराध करता है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है, क्यों वो अगर पाताल में रहे तो वो खोज लेता है। कितने दिनों के अंदर सर? वो निश्चित तौर पर हम लोग लगे हुए, निश्चित तौर पर गिरफ्तार होगा। एक अन्य मार्ग में संरक्षण में नीतीश कुमार के तमाम काम हो रहा है, ये आरजेडी का कहना है। अपने राज को देखे ना, 1990 और 2005 के दौर में क्या अन्य मार्ग हुए थे। आप लोग तो अभी नया नया मीडिया में आए हैं ना, उस युग को जो मीडिया वाला देखा होगा, मीडिया वाला का अपहरण हो जाता था। एक फोटोग्राफर का अपहरण हम लोग भी गए थे मिलने, कहा शाम तक छूट जाएगा। इसलिए अपने राज को देखे, अपने पहले अपने घर को देखे, तब दूसरे घर में झांकने को। संजय जी, कंपटीशन पुराने समय से करना चाहिए कि बेहतर हमसे हो, हम बेहतर काम करेंगे। बार बार याद दिलाते हैं उनके, हम बेहतर काम के लिए जाने जाते हैं। कंपटीशन मेरा किसी से नहीं है, हम अपने काम में लगे रहते, कौन क्या बोला उसके पीछे नहीं भाग। तो सुना आपने, सीधे तौर पर संजय सिंह का कहना था कि वो दौर 1995 और 2005 का दौर नहीं है जहां पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, वो अपराधी अपराध करते थे और उन्हें बचाया जाता था। ये 2015 के बाद का दौर है जहां नीतीश कुमार की सरकार है और सीधे तौर पे अपराधी अपराध तो करते हैं लेकिन अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है, अपराधियों को पकड़ा जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है। अब देखने वाली बात है कि संजय सिंह के बयान के बाद अब क्या राजद की प्रतिक्रिया आती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी ने जो सवाल खड़े किए थे कि सुशासन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो अभी इन दिनों खराब हो चुकी है, तो उस पर उन्होंने सीधे तौर पे कहीं ना कहीं चुप्पी साधते हुए कहा कि हम अपना काम करते हैं और अपराधी जो है अपराध का अंजाम तो देते हैं लेकिन उन्हें पकड़ा जाता है और ये भी अपराधी जो है वो जल्द से जल्द पकड़ाएंगे और उन्हें उन पे कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात है कि कितने दिनों में अपराधी पकड़ाते हैं और क्या प्रतिक्रिया राजद की तरफ से आती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।